साहिल कपूर भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। साहिल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। साहिल, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हुआ है निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें हैमिंग देख रहा है, आज बीओबी अगर आप देखें बुरा इंसिडेंट निफ्टी बैंक के साथ, आपकी अप्रोच मार्केट पे क्या है साहिल इस वक्त? देखिए, इस समय एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है इस समय, लेकिन 8500 हमें लगता है निफ्टी के ऊपर कैश निफ्टी पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 18400 से 450 का एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। तो जब ये सपोर्ट लेवल्स टच होते हैं हमें लगता है वहाँ से वापस एक खरीदारी का रुझान लेके चलना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन और 50-70 पॉइंट्स फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तकरीबन 100 पॉइंट्स। बट अभी यहाँ से हमें मुझे लगता है कि हम एक ओवरसोल्ड रीडिंग्स को टच करेंगे जहां से वापस खरीदारी की सलाम देंगे। ऊपर में हमें लगता है 8650 निफ्टी वापस टच करेगा और बैंक निफ्टी साथ ही साथ 18950 के लेवल्स को टच करेगा। बिल्कुल मानस, चलिए शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन देखिए, आज और एक प्रॉब्लम जो है मार्केट में, आप अगर कैश के जो गेनर्स हैं उसकी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है बारिंग वन और टू जो कि विच इज़ वर्थ इट्स सॉल्ट। यानी जो बढ़त देखने को मिल भी रही है जिन काउंटर्स में वो टोटली ऐसे हैं जिस पर, अब ये ज़रूर है जैसे दालमिया भरत है इस पर करीब 4.25% का मुँह है या फिर पुंज लॉयड, बट बारिंग दीज वन और टू काउंटर्स कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं। और ये शायद वो जो नर्वसनेस होती है अविनाश मार्केट की टिपिकली बायर्स की स्पेशली, उसे इंडिकेट कर रहा है। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से मेर क्लियरली बैंकिंग सेक्टर में अगर और थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेज आते हैं तो मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म मार्केट्स में जो बिकवाली का प्रेशर होगा वो शायद ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से करंटली कोई लॉन्ग पोजीशन ना करे। आई थिंक जो भी पोजीशंस है मार्केट्स में आने वाले एक दो दिनों में आपको ट्रेंड डेफिनेटली डिसेसिवली देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली 8600-650 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है और नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि इट शुड बी अ सेल ऑन एवरी राइज। इस बीच आप सनफार्मा को देखिए, 17 रुपये नीचे, अब 800 के लेवल के भी नीचे आ चुका है ये। और टेरो के नतीजों के बाद अगर आप देखें, जो कि शायद बाजार अच्छे नहीं मान रहा है, इस स्टॉक की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, 50 रुपये टूट गया है। साहिल, फार्मा स्पेस में नाउ कलेक्टिवली अगर आप देखें, डॉक्टर एडीज का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ल्यूपिन, नाउ सनफार्मा इज पार्टिसिपेटिंग ऑन द डाउन साइड। दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं इस स्पेस में, स्टॉक्स लाइक अरविंदो फार्मा एंड बायोकॉन, उनके ऊपर भी प्रेशर्स तो अब बिल्डअप हो रहे होंगे। कल आप देखिए अरविंदो फार्मा ने 850 के क्लस्टर को तोड़ा। आप अब इस स्पेस में ही जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उन पर क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, फार्मा स्टॉक्स जो हैं कलेक्टिवली हम इनके ऊपर ज़्यादा बुलिश नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिस पे हमारा थोड़ा शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू है। हमें लगता है कि 10-15% करेक्शन ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यहाँ पे देखने को मिलेगी इवन इन लार्ज कैप्स। सिर्फ एक स्टॉक सन फार्मा जिस पे हमारा सकारात्मक व्यू है, हमें लगता है कि 760-770 बहुत ही अच्छे लेवल रहेंगे जहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा सन फार्मा में। उसके अलावा हम किसी भी स्टॉक में स्ट्रक्चरली अभी बुलिश नहीं है। हमें लगता है कि सभी में करेक्शन पेंडिंग है। लूपिन में हमें लगता है 1550 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सब 700 लेवल्स ऑरो फार्मा में देखने को मिलेंगे। तो इन सब पे हमारा नेगेटिव व्यू है, इस पे किसी पे भी खरीदारी की हम सलाह नहीं दे रहे हैं। सन फार्मा पे ही एक स्टॉक है जिस पे करेक्शन पे हम बाय के टारगेट्स दे रहे हैं। इस बीच एक बार हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं, करीब 2.4% इक्विटी यहाँ पर ट्रेड हुई है एनएससी पर। वाकई हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी में ये काफ़ी बड़ा सौदा है। ऑलमोस्ट 49 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं यहाँ पर 3319 के लेवल पर। और ये ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट की तरफ से जो रीस्ट्रक्चरिंग फिलहाल चल रही है ग्रुप में उसी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी 2.5% इक्विटी ट्रेड होना अपने आप में। दो ऑटो स्टॉक्स अविनाश जिस पर आपकी राय चाहिए, एक तो हीरो मोटोकॉर्प जिस पर अभी भी इतना बड़ा ट्रेड हुआ है, एंड सेकेंडली महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल मिस्टर आनंद, महिंद्रा ने जिस तरह के ग्रोथ प्लान चॉक आउट किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, उसके बाद इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर महिंद्रा एंड महिंद्रा की पहली अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि नतीजे मार्केट्स के उम्मीदें से काफ़ी बेहतर आ गए। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन सेकंड हाफ में हमको लग रहा है कि महिंद्रा में अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर सेल्स और मानसून का जो इफेक्ट है वो अच्छी तरह से प्ले आउट होगा, तो कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी समय तक ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म नहीं किया है,
बट सेकंड हाफ में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। रही बात हीरो मोटर कॉर्प की, तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हैं ये थोड़ी सी क्लियरली मार्केट्स को पता होने के बाद ही यहाँ पे कोई रीरेटिंग आएगी, क्योंकि नतीजे अच्छे थे लेकिन ये अगर कोई डेवलपमेंट अच्छा नहीं आता है तो इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड हीरो मोटर कॉर्प में हम देख सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प आपके स्क्रीन पे लगभग 17 रुपए ऊपर। याद रखिए कल के एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट के बाद स्टॉक आज थोड़ा सा पुल बैक वेट में है, लगभग 2.5% ऊपर। याद रखिए करीब करीब सुबह ही सुबह यहाँ पर 2.5% इक्विटी ने यहाँ पे हाथ बदले हैं। और एक बार अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखें तो लगभग इसमें सौदे हुए हैं अब तक करीब 37,625 अगर आप देखें। ये मैं NSE कैश बता रहा हूँ आपको। हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो आपके स्क्रीन पे बैकफुट पे, TVS मोटर्स बैकफुट पे, एस्कॉर्ट्स अगर आप देखें 257 पे। सर ये एस्कॉर्ट्स पे आप क्या करना चाहेंगे? अब आई थिंक एक मोमेंटम था 187 से ऑलमोस्ट 264 तक ड्राइव करके ले गया, बट नाउ दिस स्टॉक इज गेटिंग रिस्की। और स्पेशली जो ऊपर एक एज बना हुआ था, फ्लैग बना हुआ था, वो द डाउन साइड वॉलेट हो रहा है। आपको लगता है 257 की जो पेन है इस स्टॉक में? देखिए मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म थोड़ा टॉप हैवी लग रहा है ये स्टॉक। मैं कंफर्टेबल रहूँगा अगर 245 तक के लेवल्स देखने को मिले, वहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है स्टॉक में, तो शायद शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, बट ओवरऑल उस करेक्शन को नेगेटिव खेलने के बजाय मुझे लगता है इसको बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी में ही रखना चाहिए स्टॉक को अभी, क्योंकि अप ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो 245 के नज़दीक मुझे लगता है एक एंट्री यहाँ पे बनेगी। जी हाँ बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है। इस बीच आप देखिए कुछ एक स्टॉक्स जो कि इस समय दिन के लोएस्ट लेवल पे हैं। प्रीकॉल दिन के लो लेवल पे करीब 2.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा तो है ही, PNB भी अपने इंट्राडे लो पर ट्रेड करते हुए इस समय करीब 2% की गिरावट यहाँ पर है। बाकी स्टॉक्स जो कि इस समय लो पर हैं इसमें शेयर शिपिंग है, मदर्स एंड सुमी, जियो, जित, BNP पारिबा, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस समय अपने लो पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन साहिल अब हालांकि कंपेरेबल नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ क्यू फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI के लिए डेफिनेटली मार्केट नर्वस है, और ये उस दिन आ रहा है जिसके बाद एक लंबा वीकेंड है, तो मार्केट वैसे ही रिस्क एवर्स, आई थिंक आज सेकंड हाफ से ही वो देखने को मिलेगा, देयर विल बी बिट ऑफ रिस्क एवर्जन इन मार्केट। क्या लग रहा है SBI पर आपको? देखिए मुझे लगता है कि PSU बैंक से एक अच्छा लॉन्ग प्ले है। इसके दो कारण है, मुझे लगता है कि अगर आप रिसेंट RBI पॉलिसी देखें तो रघुराम राजन गवर्नर हैं, उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने एसेट क्वालिटी के दूसरे एंड पे स्विंग हो गए हैं और बहुत ही हार्श रिपोर्टिंग की है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यील्ड्स में जो डिक्लाइन है 35-40 बेसिस पॉइंट्स, अगर आप चार्ट देखेंगे तकरीबन वन वे स्ट्रीट है, वहाँ पर यील्ड्स लगातार नीचे जा रही हैं। तो ये जो रिजल्ट्स डिसअपॉइंटमेंट है, इन पर जो डिक्लाइंस मिल रहे हैं, खासकर PSU बैंक जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे, PNB उनमें से एक है, मुझे लगता है यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड बनेगा। 115-114 के लेवल्स जो आज शायद देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। 110 के स्टॉप लॉस से PNB खरीदना चाहिए। साथ ही साथ SBI में आप देखेंगे 220 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है कि उसका ब्रीच होना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वीकली बेसिस पे। तो अगर उसके नज़दीक हमें ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आता है SBI, तो एक कॉल ऑप्शन ज़रूर वहाँ पे ले सकते हैं अगस्त एक्सपायरी की। आई एम एक्सपेक्टिंग कि SBI 235-240 के लेवल्स टच कर सकता है। जी इस बीच आप देखिए BPCL करीब 13 रुपए ऊपर आ चुका है। हीरो मोटर को आप धीरे धीरे अगर आप देखें, जो भी सुबह सुबह अगर आप देखें बड़ी इक्विटी ने हाथ बदले हैं, उसके बाद 17 रुपए ऊपर था, 50 रुपए ऊपर चला गया 3368 के स्तर पे। तो ये स्ट्राइक करता हुआ और स्ट्राइक क्या कर रहा है, जो इस गिरते हुए बाजार में ठीक ठाक कर रहा है उसमें डेल्टा कॉर्प 123.60 ये तेजी दिखा रहा है, और रिलायंस कम्युनिकेशन तेजी दिखा रहा है, उसके बाद IBReal एंड HPC ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ठीक ठाक मूव नज़र आ रहा है, और पुंज लॉय ठीक करता हुआ, GMR इंफ्रा ठीक कर रहा है इस वक्त, BPCL IFCI 2640 पर, REC में आज भी मजबूती है, ये कुछ स्टॉक्स जो कि अभी भी ठीक ठाक ट्रेजिक्ट्री में प्लेस्ड हैं। एंड आई थिंक इन्फोसिस ने, कल आपने हेमंत ठुकराल को भी सुना होगा, इन्फोसिस अटैम्प्ट कर रहा है अपने इस क्लस्टर से बाहर निकलने का, 1050 से लेकर 1100 का जो क्लस्टर है ना उससे। ब्रिजेश आप क्या कहेंगे इन्फोसिस पे? देखिए अगर हम इन्फोसिस की अगर हम बात करते तो
लगभग 1020 और 1050 ये दो सपोर्ट की तरह प्ले कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम पकड़ेगा स्टॉक जब 1105-1110 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो सलाह तो ये है कि कोई डिप आता है समवेयर अराउंड 1170-1160 के आसपास में आता है, तो 1070-1060 के आसपास में तो बाइंग कीजिए। 1020 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए एंड लुक आउट फॉर 1110। एनी क्लोजिंग अबाउट 1110? स्टॉक वुड बी गोइंग ऑल द वे टू 1150 to 1170 odd level. बिल्कुल।